गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है। आज 21 दिसंबर 2023 थर्सडे एंड आई एम योर होस्ट आशीष बरुआ। डॉलर इंडेक्स अभी है 102.32। बिफोर मूविंग अहेड जस्ट वी लाइक टू चेक द जीबीपी डॉलर। जीबीपी डॉलर कल इन्फ्लेशन डेटा आया बेटर देन मार्केट एक्सपेक्टेशन, जिसके कारण जीबीपी डॉलर में एक अच्छा खासा ड्रॉप देखा। बट नेक्स्ट में फिर विल बी कमिंग बैक। सो डॉलर इंडेक्स अभी आपका कंसोलिडेट कर रहा है एक जोन के अंदर में। दिस जोन इज बिकमिंग वेरी क्रूशियल। बट न्यू ईयर क्रिसमस ईव मींस, जिसके कारण द मेजर प्लेयर्स आर गोइंग फॉर ए हॉलीडे, जिसके कारण मार्केट में ज्यादा कुछ हलचल हम धीरे धीरे नहीं देखेंगे। हाँ, काफी वॉलेटाइल रह सकता है, बिकॉज मीन्स छोटा छोटा वॉल्यूम कैन मीन्स क्रिएट लॉट ऑफ वॉलेटिलिटी इन द मार्केट, वेदर इट इज इन डॉलर रूपी, जीबीपी डॉलर और एनी अदर करेंसी पेयर्स। बट धीरे धीरे मार्केट एक्टिविटी कम होता रहेगा। सो उसी लेस एक्टिविटी के बीच में हम मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं। डॉलर इंडेक्स ये जो एक देखो एक बॉक्स के अंदर में कंसोलिडेट कर, अभी इस बॉक्स से बाहर निकलना होगा। क्या बॉक्स से बाहर निकलने के बाद ये नीचे की तरफ जाएगा या ऊपर की तरफ रिट्रेस करेगा, इसको हमें देखना है। डॉलर रुपी साइडवाइज कंसोलिडेशन जारी है। कल के दिन में एक नैरो रेंज में था, इन बिटवीन 83.13 ऑन द लोअर साइड एंड 83.1920 ऑन द हायर साइड। अभी ये 83.16 के आसपास है। सो अगेन कंसोलिडेशन में चला गया है। एंड ये नीचे की तरफ जो सपोर्ट लेवल था 82.90 83.00, उसमें एज ऑफ नाउ इसको पकड़ रहा है। सो नथिंग मोर टिल मार्केट एक्टिविटी बाउंसेस बैक और सम रेंज ब्रेकआउट टेक्स प्लेस इन डॉलर रुपी। जीबीपी डॉलर जैसे कि हमने डिस्कस किया कल इन्फ्लेशन डेटा के बाद, जो इन्फ्लेशन डेटा बेटर देन एक्सपेक्टेड था, जिसके कारण मार्केट में ये प्रयास लगा रहे हैं कि रेट कट जल्दी आने वाले हैं इन कंपैरिजन टू द मार्केट एक्सपेक्टेशंस। अभी यहाँ पे एक प्राइस एक्शंस बन रहे हैं। कौन सा प्राइस एक्शंस? ये जो दो बैक टू बैक रेड एंड ग्रीन, ग्रीन एंड रेड कलर का कैंडल का कॉम्बिनेशन, ये जो कैंडल है इसके लो के नीचे हम एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण मार्केट में मूव टुवर्ड्स 1.2500। दिस इज द मींस एक्सपेक्टेशंस। जीबीपी आईएनआर यहां पर भी वही सेम दो ग्रीन एंड रेड कलर का कॉम्बिनेशन के कैंडल्स, दो कैंडल आया है जिसके लो के नीचे, यानी ग्रीन कलर के कैंडल के लो के नीचे हम एक सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो इसको 104.4050 के तरफ ले जा सकते हैं। उसके बाद हमें देखना है कि क्या फर्दर ड्रॉप करते हैं या नहीं। और ऑल्सो यहाँ पे जो रेंज शिफ्ट आरएसए, डेली आरएसए में रेंज शिफ्ट, दिस विल ऑल्सो मेक जीबीपी आईएनआर टू गेट सोल्ड ऑफ। यूरो डॉलर में वही कॉम्बिनेशन जो है अभी बाकी है, बट रेजिस्टेंस लिया है आरएसआई। सो यहाँ पे और थोड़ा प्राइस एक्शंस देखना है। बेसिकली यहाँ पे एक बड़ा रेंज है, ये वाला रेंज, इस रेंज से बाहर निकलना पड़ेगा। आप देखोगे ध्यान से, डॉलर इंडेक्स ने ये जीबीपी डॉलर में नीचे की तरफ, यूरो डॉलर में ये वाला, मीन्स एक ही साथ में जो भी होगा एक ही साथ में होगा। यूरो डॉलर अगर नीचे की तरफ आता है तो डॉलर इंडेक्स ये ऊपर की तरफ जाएगा एंड वाइस वर्सा। तो यहाँ पर भी प्राइस कंसोलिडेशन हो रहा है विथ आरएसआई नेगेटिव इन नेचर, मींस टेकिंग रेजिस्टेंस इन 16 कमिंग डाउन। सो यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूरो आईएनआर पे भी आपका एक रेंज बन चुका है, ये वाला एक रेंज, इससे बाहर हमें ले आने देते हैं। बट आरएसआई रेंज शिफ्ट, जिसके कारण थोड़ा सा नेगेटिव बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डॉलर येन आफ्टर ट्रेडिंग हाई ऑफ 144.95 on 19th of December,
कल थोड़ा सा नेगेटिव, छोटा मींस डोजी टाइप ऑफ कैंडल या स्पिनिंग टाइप ऑफ कैंडल बना था। आज सुबह से यहाँ पे फिर सेलिंग बायस हो रहे हैं, लेकिन सेलिंग बायस में भी हमें ये जो इमीडिएट लो है 141 से 141.50 इज दिस बिकम्स एक क्रूशियल लेवल। इसके लो के नीचे क्या ब्रेकडाउन करते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। एज ऑफ नाउ 141 से 141.50 के एक्सपेक्टेशन है। देन जेपीवाई आईएनआर, जेपीवाई आईएनआर पुल बैक मूविंग हायर। यहाँ पे आप देखोगे दो कॉन्ट्रा चीज, क्या कॉन्ट्रा चीज, डेली आरएसआई ट्राइंग टू टेक सपोर्ट एट 60 एंड ट्राइंग टू मूव हायर, वीकली आरएसआई टेकिंग रेजिस्टेंस एट 60। सो छोटा टाइम फ्रेम, डेली इज टेलिंग आई एम रेडी टू मूव हायर, बड़ा टाइम फ्रेम बोल रहा है कि आई एम मींस टेकिंग रेजिस्टेंस। सो यहाँ पे एक कॉन्ट्राडिक्शन चल रहा है, इसमें हमें थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। छोटा टाइम फ्रेम वर्सेस बड़ा टाइम फ्रेम, डॉलर कैंडी 1.3354। यहाँ पे आप प्राइस जो है यहाँ पर भी ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है उसके नजदीक आके थोड़ा अगर टाइम पास करते हैं दैट इज गुड फॉर ब्रेक डाउन। अगर यहाँ पे बाउंस बैक कर जाते हैं इमीडिएटली करना है, अदरवाइज जितना ज्यादा टाइम पास करेगा सपोर्ट लेवल के आसपास उतना ही ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ऑस्ट्री डॉलर 0.6747, ये आपका हमारा जो टारगेट था 0.6780 से 6800 उसका कहां तक गया 6779। सो सेकंड टारगेट इज आल्सो मैच। अभी क्या होगा, अभी थोड़ा प्राइस एक्शंस का हम देखने का प्रयास करेंगे, प्लस क्रिसमस एंड न्यू ईयर के लिए मार्केट थोड़ा हॉलीडे मूड में जा रहा है, साइलेंट मींस ज्यादा कुछ एक्टिविटी हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। सो जस्ट ऑब्जर्व करें, यहाँ पे ये सपोर्ट लेवल पे कंसोलिडेट करके ऊपर जा रहा है। यहाँ पे जो प्राइस एक्शन से ये जो कल का 19 दिसंबर का हाई है उसके हाई के ऊपर और एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हम देख सकते हैं। यहाँ पे देखने वाला बात क्या है, रेड कैंडल एंड ग्रीन कैंडल जो हम जीबीपी डॉलर में देख रहे थे, क्या देख रहे थे जीबीपी डॉलर में, इस ग्रीन कैंडल के लो के नीचे सेलिंग, सिमिलरली सीएनएच पे ये रेड कैंडल के हाई के ऊपर बाई, यहाँ पे इसको ऊपर की तरफ ले जाने का ताकत रखता है। सो अभी इसके हाई के ऊपर जाने देते हैं, उसके बाद देखेंगे। ब्रेंट क्रूड, ब्रेंट क्रूड आप देखोगे जो मंडे का हमने ब्रेंट क्रूड का स्पेशल वीडियो बनाया था जहां पे हमने बोले थे फर्स्ट टारगेट मेट 79, उसके बाद हमारा 84 का टारगेट है लेकिन टू हर्डल्स है। एक हर्डल है आपका 79 से 79.30 हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस जो पहले सपोर्ट था, एंड ये एक इंक्लाइंड रेजिस्टेंस, इस इंक्लाइंड रेजिस्टेंस में ये रेजिस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे हमें देखना है क्या ये कितना आसानी से इस ट्रेंडलाइन रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करते हैं या रेजिस्टेंस को रेस्पेक्ट करके नीचे आते हैं, तो थोड़ा यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा। एक बार अगर ऊपर ब्रेकआउट कर जाता है, यहाँ पर भी एक पेयर है, एक रेड कैंडल एक ग्रीन कैंडल। अभी सिंस इट्स अ रेजिस्टेंस लेवल, तो यहाँ पे अगर ये ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर चले जाते तो हमारा टारगेट की तरफ दौड़ना चालू कर सकता है। यूएस 10 ईयर ट्रेजरी 3.864 मींस सॉफ्टनेस बरकरार है, नीचे जो समय 3.73 का टारगेट है उसके तरफ जा रहे हैं। 2 ईयर ट्रेजरी यहाँ पर वीकनेस है लेकिन ये सपोर्ट लेवल पे आया 4.34, अभी यहाँ पे एक बॉक्स बना रहे हैं, बॉक्स के बाहर निकलना पड़ेगा। सो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही, आशा करता हूं ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे एंड